दोस्तों ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो वीडियो दिखाऊंगा जो कमेंट में आई हैं, तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। फिर भाई इस मशीन के अंदर ये हमारे एक साइड से ऊंचा है, तो इसको रिपेयरिंग गंज का सेंटर आइंट निकाल रहे हैं, फिर भी ये सही नहीं हो रहा, फिर भी ये जाम क्यों चल रहा है, नया बुस जाम है। इधर इधर छेनी से मार मार के सेंटर सही कर रहे हैं, फिर भी जाम चल रहा है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ये देखिए बहुत जाम है, इतना ज़्यादा जाम नहीं होना चाहिए। इधर छेनी से मारे हैं अभी, छेनी से ऐसा मार के सेंटर भी लिए, इधर से भी लिए हैं, इधर से भी लिए हैं, फिर भी नहीं, इसको भी लिए हैं इधर से और अंदर से लिए हैं भी, ऐसा ऐसा अंदर से भी लिए हैं, इधर से भी आँठ निकाले हैं, इधर से भी आँठ निकाले हैं, फिर भी नहीं सही हो रहा है, इसको बताइएगा वीडियो में जरूर। तो दोस्तों आपने देखा उन भाई साहब की क्या अल्टर थी, उन्होंने दिखाया था कि पैर के नीचे है ना जगह थी, वो जो कागज़ हमारे ऐसे पकड़ के नहीं चल रहा था पैर, तो देखो आप देख रहे हो उनकी जो कंप्लेंट है वो ये है कि हम कागज़ लगा रहे थे, कागज़ ऐसे ही निकलता जा रहा है, और दूसरी तरफ अगर हम कागज़ लगाते हैं तो ये फंस जाता है और ये आगे नहीं बढ़ता है। तो पहली कंप्लेंट जो ये है, और दूसरी क्या दोस्तों, हमारा जो ये गज है ना, दूसरी जो वीडियो थी उसके अंदर क्या दिखाया भाई साहब ने कि ये जो हमारे जो बुशे गज के ये इन्होंने ठोके और उनसे लाइन सीधी नहीं हुई। तो दोस्तों आज मैं इस ब्लॉग के अंदर यही बताने वाला हूँ कि पैर सीधा कैसे करेंगे जो पूरा चले, और दूसरा ये लाइन कैसे सीधी होती है। पर दोस्तों ये आप आधे घंटे में अगर लाइन सीधी करते हो तो भूल जाओ, अब आपको जो ना सिर्फ एक मिनट में लाइन सीधी सीधी कैसे करते हैं एक मिनट में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले है ना हम इस पैर को सही करेंगे, और मैं आपको बता देता हूँ सही करने से पहले हमें किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों जब हम इसको मोड़ेंगे ना, मोड़ेंगे कैसे वो भी बताऊंगा, तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो पेचकस है ना, इसे ऐसा पेचकस ले लेना, बड़ा हो या छोटा कोई सा भी हो, तो देखो आप है ना इसको यहाँ पर लगाना, पेचकस को यहाँ पर इस तरीके से, अगर इधर का मोड़ना तो इधर लगाना है और इधर का मोड़ना है तो यहाँ लगाना है ऐसे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ पैर को कैसे मोड़ना है। तो दोस्तों देखो इस तरीके से बांख में बांध देंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि इधर जो जगह है दांते की, दांते और इसके पैर के बीच में जगह थी है ना, तो ये क्या था हमारा, ये ऊपर था, हाँ इसको हम ऊपर करने के लिए इसको नीचे करेंगे, नीचे का मतलब उल्टा हिसाब, जैसे कि ये ऊपर था तो इसको नीचे करेंगे और ये नीचे था तो इसको ऊपर करेंगे। करने से देखो अभी पेचकस लगाना है, लगाने के बाद इस वाले हिस्से को आप ऐसे मोड़ देना। दोस्तों एक बात का याद रखना, आप हल्के हल्के चोट मारना, हल्के हल्के, अगर आपने जोर से मार दी तो ये टूट जाएगी, इसके अंदर देखो दोस्तों इसके अंदर ये पिन लगी हुई है, ये टूट जाएगी, तो आप क्या करोगे हल्के हल्के ही चोट मारना, चाहे दो से तीन बार में हो जाए ठीक परवाह नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से मुड़ता है, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखो मैंने एक कागज़ लगा रहा हूँ, तो देखो ये कागज़ इसके अंदर जा भी नहीं रहा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे कर लेना, देखो इधर लगा रहा हूँ तो इधर भी नहीं जा रहा कागज़, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक हो गया, देखो दोनों तरफ से ठीक हो गया, और देखो एकदम फर्स्ट क्लास चलेगा। तो इसको जो ना सही करने का ये तरीका है, तो दोस्तों आप भी इसी तरीके से कर लेना। बस आप एक चीज़ का याद रखना, जोर से चोट अगर आप मारोगे ना तो ये वाली पिन टूट जाएगी, तो आपका पैर टूट जाएगा, तो आप क्या करोगे हल्के हल्के चोट मारना, चाहे दो से तीन बार में इसे लगाना पड़े कोई बात नहीं है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि पिन करते हैं। अब हम इस वाले बुश की इसकी लाइन कैसे सीधी हो, उन भाई साहब ने क्या करा था यहाँ से चोट मार मार के ये ख़राब कर दिया था, तो हम क्या करेंगे यहाँ से, हमें चोट नहीं मारनी है दोस्तों, मशीन चाहे पुरानी हो या नई हो हम यहाँ से सीधी करेंगे, इसमें ऊपर से भी मारेंगे चोट और नीचे से मारेंगे, लेकिन मशीन के अंदर ऊपर से चोट नहीं मारेंगे, लेकिन आप चाहो तो पुरानी मशीन में हम चोट मार के चला सकते हैं। लेकिन मैं आपको आज ऐसा तरीका बताने वाला हूँ कि चोट मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक ही मिनट में आपकी लाइन सीधी हो जाएगी। दोस्तों देखो हमें क्या है, सबसे पहले इस चीज़ का याद रखना, हमें अगर हम इसे जितनी ज़्यादा टाइट ठोकेंगे ना उतनी ही ज़्यादा लाइन टेढ़ी हो जाएगी और लाइन सीधी नहीं होगी। तो दोस्तों अब इसी चीज़ का ध्यान रखना, देखो मैं देखो आपको जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ ना, अब आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला। तो देखो देखो ये देखो मैंने इसे इसके अंदर डाल दिया, ये लूज है ना, अब मैं इसको हल्का सा टाइट करूँ, जब भी हम इसको टाइट करेंगे ना इसके अंदर ये गज होना चाहिए, ठीक है। और देखो हम इसको रेती से निशान मार देंगे इसके अंदर, तो इस तरीके से रेती से निशान मारेंगे, याद रखना ज़्यादा टाइट नहीं करना। तो दोस्तों देखो मैं ठोक रहा हूँ इसको, ये देखो दोस्तों ये ज़्यादा टाइट नहीं है, ज़्यादा नरम नहीं है, पर ये ऐसे ठुकनी चाहिए, यानी कि हम हल्की सी चोट मारेंगे तो हल्के से सारे पे मुड़ जाएगी, तो हमें इस तरीके से इसको फिर हम जो है इस बड़ी गोली को भी ठोक देंगे,
ये देखो मैंने इसके अंदर भी टक लगा लिया था, तो आप भी हल्के से इसे नरम ही ठोकना। आप देख सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ, ये ज़्यादा टाइट नहीं ठोकनी चाहिए, ठीक है, नरम ठोकनी जैसे मैंने ये ठोकी है। अब हम लाइन सीधी करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखो, हम उल्टा गज डालेंगे इस तरीके से, उल्टा गज डालेंगे, देख सकते हो आप इसमें कितना इसके अंदर जगह है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे इसमें जगह है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे जगह है ना, तो देखो यहाँ पे लगेगी इसके चोट, यहाँ पे अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इस तरीके से हमें चोट मारनी है दोस्तों। अगर ज़्यादा जगह होगी तो ज़ोर से चोट मारेंगे, हल्की जगह होगी तो हल्के से चोट मारेंगे, ठीक है। तो मैं आपको इस तरीके से ज़ोर से चोट मार रहा हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ जगह। तो दोस्तों देखो, जब मैंने उधर चोट मारी ना, तो ये जो है ना हमारा गज इधर को आ गया, यानी कि इधर जगह बता रहा है, ये इधर जगह बता रहा है, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं सोचना कि एक चोट मारी तो वो बिल्कुल फिक्स लाइन सीधी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। ये क्या, जिधर आप जगह मारोगे, जिधर आप छेनी से लाइन सीधी करोगे तो ये ऐसा बदलती रहेगी। तो हमें क्या करना है, जिधर जिधर ये लाइन आती रहेगी उधर उधर से हमें चोट मारनी है। तो दोस्तों जैसे इनने यहाँ पर जगह बताई है, तो मैं इसके पीछे मारूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों देखो, ये जो ना हमारी लाइन सीधी हो गई। ये लाइन सीधी क्यों हुई दोस्तों, क्योंकि हमारी कोली नरम थी। तो आप इस चीज़ का याद रखना, जितनी ज़्यादा टाइट ठोकोगे उतनी ज़्यादा लाइन टेढ़ी हो जाएगी और कोली भी टाइट हो जाएगी और लाइन सीधी नहीं होगी। तो दोस्तों फिर जब लाइन सीधी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, सीधा गज डालेंगे इसके अंदर, सीधा गज डालेंगे और ऐसे घुमा के देखेंगे दोस्तों। तो देखो ये बिल्कुल फ्री बता रहा ना, तो इस तरीके से ऊपर की लाइन सीधी होगी दोस्तों। अब हम नीचे की सीधी करेंगे। तो दोस्तों हम नीचे से गज डालेंगे ऊपर, यहाँ पे हमारा गज जो है रुक जाएगा और हम जो है ना यहाँ से झांक के, दोस्तों यहाँ से झांक के इसमें देखेंगे कि किधर लाइन हमारी जगह बता रही है दोस्तों। अभी मैं तो दोस्तों मैंने इसमें ना झांक के देखा यहाँ पे, तो इसमें ना यहाँ पे जगह है, यहाँ पे जगह दिखा रहा है, यानी कि ये जो है ना चोट हमारी यहाँ लगेगी, तो यहाँ पे जगह है। तो दोस्तों जब हम इधर चोट मारेंगे ना यहाँ पे, तो ये जो गज है ना हमारा इधर को चले जाएगा, तो लाइन सीधी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। एक एक इसका एक तरीका क्या दोस्तों, ये हम जो ना यहाँ से भी सीधी कर सकते हैं लाइन, यहाँ से भी हम लाइन सीधी कर सकते हैं, नीचे से, ऊपर से और नीचे से, इसमें दोनों तरफ से लाइन सीधी हो जाती है। ऐसे इसके अंदर भी हो जाती है दोस्तों, आप यहाँ से भी सीधी कर सकते हो, ऐसे ऊपर से भी कर सकते हो, लेकिन पुरानी मशीन में भी आप ऊपर से कर सकते हो, लेकिन नई मशीन में हम नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों मैंने जो आपको आइडिया बताया ना, तो आपको ऊपर से चोट मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और बिल्कुल एक ही मिनट में हो जाएगी। देखो आप देख सकते हो मैंने कितनी जल्दी ये ऊपर वाली लाइन सीधी करी है। तो दोस्तों अब जैसे ये यहाँ पर इधर जगह बता रही थी ना, देखो दोस्तों ये जो ना यहाँ पर जगह बता रही थी, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ से चोट मारूंगा ऊपर से, तो यहाँ से लगेगी, ठीक है, और अगर नीचे से मारूंगा दोस्तों, तो इसके नीचे से चोट लगेगी। तो इस ये क्यों लगेगी मैं आपको ये और बता देता हूँ दोस्तों। देखो हमारा जो गज है ना, हमारा जो गज है ऐसे है, ऐसे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर मारेंगे, यानी अगर हम यहाँ मारेंगे ना चोट, यानी कि ऊपर से, यानी कि ऐसे देख लो, ये जो ना गज हमारा ऐसे है, अगर मैं यहाँ से मारूंगा, यहाँ से मारूंगा, तो गज हमारा नीचे को आएगा, ठीक है। अगर मैं देखो इधर से मारूंगा ना नीचे से, तो ये ऊपर को आएगा। तो इस तरीके से इसमें ऊपर से यहाँ लगेगी और नीचे से इसके पीछे से लगेगी। तो मैं आपको इसी लाइन सीधी करके बताता हूँ। तो दोस्तों देखो इस तरीके से आप भी छेनी बना लेना, और देखो मैं इसके यहाँ पे हल्की सी चोट मार रही हूँ, देखो ये मैंने चोट मार दिया। अब इसकी लाइन चेक करते हैं। तो दोस्तों देखो जैसे मैंने वहाँ से लाइन सीधी करी ना, तो पहले तो ये यहाँ पे जगह बता रही थी, अब ये यहाँ बता रही है ना। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से चोट मारेंगे। ये ऐसा ही होगा दोस्तों, आप ये मत सोचना कि एक बार चोट मारने पे सीधी हो जाएगी, ऐसा हो जाता है, लेकिन ये गज बदलता रहता है, यानी कोली हमारी बदलती रहती है जगह को। तो मैं देखो यहाँ से मारूंगा और इस तरीके से आप जो है देख सकते हो। तो देखो दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हो, देखो मैंने किस तरीके से इसको सीधा करा है, ठीक है। अब ये लाइन बिल्कुल सीधी है, देखो अभी क्या है, ये लाइन तो सीधी हो गई। अब हमें ना इन दूसरों को टाइट करना है, तो टाइट करने का एक आसान तरीका दोस्तों, आप एक चीज़ का याद रखना, अगर आपने एलपी कम डालोगे ना, तो क्या आपके बुश नरम ही रह जाएंगे, ठीक है। और देखो एलपी डालने का तरीका बता रहा हूँ, मशीन को आप ऐसे रख लेना और यहाँ से देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, इस तरीके से देख रहे हो आप कैसी बूंद है। इसके अंदर पहले आप इस सुराख पर डालोगे तीन बूंद, इस जितनी इसमें आई थी ना एलपी, ऐसे ही तीन बूंद इसके अंदर यहाँ डाल दोगे, तीन बूंद यहाँ डाल दोगे और तीन बूंद यहाँ डाल दोगे आप दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से, और डालना आराम आराम से जो पी जाए। और दोस्तों एलपी डालने से पहले आप तेल इसके अंदर का निकाल देना, जब भी आप लाइन सीधी करो ना, तो तेल साफ कर लेना कपड़े से। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे ऐसे ही हम यहाँ डालेंगे, ऐसे ही इसके तीस सुराख में, और ऐसे दोस्तों इसके यहाँ पे, तो ये ना लोहे की तरह जाम हो जाएगी। तो आप इस चीज़ का याद रखना, एलपी आपको लिमिट से डालनी है, ऐसा नहीं है कि आपने पूरी एलपी इसके अंदर ही डाल दी, तो पूरी एलपी नहीं डालना आपको, इस तरीके से मैंने आपको बताया इस तरीके से आप डालना। तो ये इसका तरीका है एलपी डालने का दोस्तों। और जब ये फुल टाइट हो जाएगा ना दोस्तों, तो आप इसके पेच वेज ये सब लगा लेना, लाइन आपकी सीधी रहेगी और टेढ़ी नहीं होगी, और 19 भी टेढ़ी भी हो जाती है तो आप सीधी कर सकते हो और हो भी जाएगी, ठीक है। पहली बात तो
एलपी डालने के बाद लाइन टेढ़ी होगी नहीं। तो ठीक है, लोग आपको पसंद आया होगा दोस्तों, आप भी इसी तरीके से इसकी लाइन सीधी कर लेना, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ एक ही मिनट लगेगा। बस आप इस चीज़ का ध्यान रखना, बुश हमारे नरम होने चाहिए और हल्के से सारे पे मुरझाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें एलपी डाल लेंगे, एलपी डालने के बाद पेस्ट टाइट कर लेंगे दोस्तों, फुल टाइट। और फुल टाइट करने के बाद 19-20 अगर बता रही है तो पहली बात तो बताएगी नहीं, और बता रही है तो फिर हम लाइन सीधी कर लेंगे। तो दोस्तों ये इसका आसान तरीका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।